यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि जब वह घर पर अकेली थी तभी गांव के ही 3 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता का पति दिल्ली में काम करता है। पुलिस ने रेप पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गाँव की रहने वाली महिला का आरोप है कि 22 मार्च की रात को जब वह अपने घर की छत पर अपने पति से फोन पर बात कर रही थी तभी गांव के रहने वाले शानू, दीपू और नीलू तीनों छत पर आ गए और महिला को उठाकर पड़ोस में खाली पड़े एक मकान में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पति ने गैंग रेप की सूचना अपने पति को दी। तब रेप पीड़िता का पति दिल्ली से लौटकर गांव आया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। रेप पीड़िता को लेकर उसका पति थाने गया और आरोपियों के खिलाफ रेप की तहरीर पुलिस को दी। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता का पति दिल्ली में काम करता है। इस मामले में जानकारी ये भी निकल कर आई है कि आरोपी फिलहाल पीड़िता की जान पहचान के हैं, क्योंकि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कार्रवाई की? ये ग्राम पड़ी सराइया आया थाना मिर्जापुर क्षेत्र में। यहाँ एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई थी थाने पर कि उसके साथ 3 लड़कियों ने गलत कार्य किया है। ये विवाहिता है, महिला है, उनके पति दिल्ली में नौकरी और उनको कहीं से ये बात जानकारी में आई और वो दिल्ली से आए। इस बात पर इस महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और ऐसा भी जानकारी में आया है कि जो इनमें जो अभियुक्त है उनमें से पहले से ही परिचित है, लेकिन चूँकि गुप्ता ने तहरीर दी है उसके आधार पर अभियुक्त कर दिया गया है और तीनों ही अभियुक्त पुलिस जा सकते हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके गलत नियमानुसार विवेचना में साक्ष्य करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट शाहजहांपुर से। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जनपद इटावा से। आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2021 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अवैध शराब की तस्करी को रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अवैध शराब के तस्करी के विरोध में सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 2 मार्च 2021 को थाना बकेवर पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम इकनौरा के बीहड़ में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से शराब बना रहे थे, जिसे वह लोग आगामी पंचायती चुनावों में बिक्री कर धन अर्जित करना चाहते थे एवं जिनके पास अवैध असलाह भी है। सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान ग्राम इकनौरा के बीहड़ में पहुंची तो वहां बीहड़ में किले पर बनी एक झोपड़ी में कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। तभी पुलिस टीम को अपनी ओर आता हुए देख कर शराब माफियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया। शराब माफियों द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम ने शराब माफियों द्वारा की गई फायरिंग से अपने आप को बचाते हुए आवश्यक घेराबंदी कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री, अवैध असलाह व बारूद बरामद किया गया तथा मौके से प्राप्त 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये जमीन जिस पर हम लोग शराब बना रहे हैं, अनिल कुमार उर्फ गोविंद त्रिपाठी पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी इकनौरा थाना बकेवर जनपद इटावा के द्वारा रहने के लिए हमें दी गई है एवं उन्हीं के लिए हम लोग अवैध रूप से कच्ची शराब को बनाते हैं एवं अनिल कुमार उर्फ गोविंद त्रिपाठी अवैध शराब को सप्लाई करते हैं। हम लोग उनके कहने पर उनके लिए बीहड़ में लकड़ी का अवैध कार्टन का काम भी करते हैं। अनिल कुमार उर्फ गोविंद त्रिपाठी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम है महाराज सिंह पुत्र शंकर निवासी उबरी थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, दाताराम पुत्र रामचंद्र निवासी बरदई थाना मासलपुर जिला करौली राजस्थान, राम रतन पुत्र दाताराम निवासी बरदई थाना मासलपुर
जिला करौली राजस्थान। वकील पुत्र रूप सिंह निवासी खोरी थाना पारगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश। उनके पास से बरामद हुई चीजें कुछ इस तरह है, 3 तमंचा 315 बोर, 3 कारतूस जिंदा, 10 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 BBML गन दुनाली नंबर 205/69 फैक्ट्री मेड बारूदी, 1 SBML गन इकदाली वीना नंबर बारूदी, 1 किलो 680 ग्राम अवैध बारूद, 170 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 ड्रग व 4 प्लास्टिक की कैनों में भरी हुई, 50 किलोग्राम यूरिया प्लास्टिक के कट्टे में, 10 किग्रा गुड प्लास्टिक के कट्टे में। जैसा कि पंचायत चुनाव की इस समय तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो पंचायत चुनाव में ये आरोप लगते हैं कि अवैध शराब का सेवन कराया जाता है प्रत्याशियों के द्वारा। इसी क्रम में थाना बकेवर में इंस्पेक्टर बकेवर और उनकी समस्त टीम अपने पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग इस मामले में कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी शराब पकड़ी गई थी। तभी इन्हें सूचना मिली कि वहाँ का एक इकनौर गांव पड़ता है, वहाँ के बीहड़ में कुछ इस तरह की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर बकेवर अपने पूरे फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो बिल्कुल बीहड़ का इलाका था, कुछ झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पर, और उन लोगों ने इस तरह का भी इंतजाम कर रखा था दूर से ही पुलिस को देख लें, क्योंकि पुलिस को इस बारे में सटीक सूचना मिली थी। जिन्होंने उन्हें घेरा, अपने आप को घेरता देख के जो वहाँ पे अपराधी थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने क्योंकि पूरी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, वहाँ पे अवैध शराब जो बनाई जा रही थी, मौके से करीब 500 लीटर शराब, और इन्होंने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपने पास हथियार भी रखे हुए थे, भारी मात्रा में 2 डबल बैरल बंदूकें, 1 उसकी नाल, इसके अलावा तमंचे इनके पास भारी मात्रा में मिले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि वहीं पास के गांव का एक अनिल कुमार और गोविंद त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है जिसके खेत पर ये रहते थे, और उसके द्वारा ये सारा काम कराया जा रहा था पंचायत चुनाव के को देखते हुए। इसकी इनमें से जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग पहले से उसके खेत पर रह रहे थे जो इस काम को करते थे, लेकिन पंचायत चुनाव के उसको देखते हुए करीब 5-6 दिन पहले इन लोगों ने और अपने रिश्तेदार बनाए थे और भारी मात्रा में शराब का निर्माण ये कर रहे थे। और ये इस उसमें हमारे जो इंस्पेक्टर हैं उनके भी थोड़ी चोट लग गई थी हाथ में, और इन सभी को आज गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। और ये बहुत अच्छी कार्रवाई बकेवर पुलिस की हुई है, बहुत ही, क्योंकि एक अवैध शराब का पूरे रैकेट का भंडाफोड़ है। ऑनलाइन भारत के लिए आकाश सिंह, ब्यूरो चीफ जनपद इटावा की रिपोर्ट। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जनपद इटावा से। दिनांक 2-3 मार्च 2021 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना बकेवर से मुकदमा संख्या 143/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वंचित 2 अभियुक्त कही जाने की फिराक में काले रंग की मोटरसाइकिल से नहर पटरी पर गौतमपुरा की तरफ से लखरा की ओर आ रहे हैं, जिनके पास अवैध असलाह भी है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताए गए स्थान की ओर जा रही थी, तभी झाल के पुल के पास काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेर कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व 30 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब व मोटरसाइकिल बरामद हुए। इसके बारे में पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम सलमान अली उर्फ मुन्नू पुत्र अजीज अली निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना
बकेवर व कमलेश कुमार दोहरे पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम इंद्रौसी थाना बकेवर इटावा बताया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा ये भी बताया गया कि वह थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियुक्त मुकदमा संख्या 143/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का वंचित अभियुक्त है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अवैध शराब तस्कर भी है। उनके पास से जो बरामद हुए हैं वो इस प्रकार है: 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 30 अदद क्वार्टर नाजायज देशी शराब, 1 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस नंबर UP16BL00186। पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ना केवल वर्तमान में शराब माफिया और शराब के जो अवैध कारोबार में लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो पूर्व में जिन लोग इन तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, आप लोगों को याद होगा करीब 4-5 महीने पहले बकेवर थाने में शेरपुर कोटी नाम के गांव में एक बड़ा जखीरा शराब का पकड़ा गया था और 8-9 लोग उसमें जेल भेजे गए थे। उन लोगों पर क्योंकि वो भी एक ऑर्गेनाइज गैंग बना के इस काम को कर रहे थे, अनैतिक और अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे, उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने बकेवर पुलिस ने गैंगस्टर लगाया है। उन्हीं में से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों की संपत्तियों की भी छानबीन की जा रही है। जो भी अकूत संपत्ति इन लोगों के द्वारा अवैध कार्यों द्वारा अर्जित की गई है उसमें 14(1) के अंतर्गत इनका सबका जब्तीकरण भी किया जाएगा। ये भी एक अच्छी कार्रवाई बकेवर पुलिस द्वारा की गई है जिसमें शराब माफियाओं के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आरएन भारत के लिए आकाश सिंह, ब्यूरो चीफ जनपद इटावा की रिपोर्ट।